नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मकर संक्रांति का त्योहार पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष संक्रांति देवी बाघ के वाहन पर आएंगी। संक्रांति देवी पीले वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर चलेंगी। मकर संक्रांति पर इस बार शत्रुओं का विनाश होगा और बाधाएं नष्ट होंगी। शुक्रवार का दिन होने की वजह से मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। वैसे तो सभी ग्रहों की संक्रांतियां होती है, लेकिन उन सभी में सूर्य की संक्रांति विशेष फलदायक होती है। इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य की संक्रांति और विशेषकर मकर संक्रांति को खास महत्व दिया गया है। शास्त्रों के मुताबिक मकर संक्रांति काल में किया स्नान, जप तप, दान, होम आदि धार्मिक कार्यों में सामान्य की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 5 ग्रहों का बहुत ही शुभदायी संयोग बन रहा है। सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और गुरु, ये 5 ग्रह मकर राशि में होंगे, जिससे इस बार की मकर संक्रांति और भी ज्यादा विशेष और शुभ हो गई है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति पर रोहिणी नक्षत्र, ब्रह्मयोग और आनंदादि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि काफी शुभ है। माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में दान पुण्य करने से यश की प्राप्ति होती है और कष्टों का अंत होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए, दान करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि दान का पूरा पुण्यफल प्राप्त हो सके, साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें मकर संक्रांति पर भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, जिनके दान से आपको जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बताएंगे इस मकर संक्रांति पर अपनी अपनी राशि के अनुसार क्या दान करें, किसी विशेष कामना पूर्ति हेतु मकर संक्रांति पर किस वस्तु का दान करना चाहिए, सुहागन महिलाएं क्या दान करें और तिल और गुड़ के दान का क्या महत्व है, ये सारी मकर संक्रांति पर दान से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रथाएं हैं। कहीं दही चूड़ा खाया जाता है तो कुछ लोग इसे खिचड़ी संक्रांति के तौर पर मनाते हैं और घी खिचड़ी खाते हैं। संक्रांति के मौके पर काले तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। संक्रांति पर काले तिलों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने और दान करने का संबंध सूर्य और शनिदेव से है। काले तिल शनि से और गुड़ सूर्य से जुड़ा है। मकर संक्रांति के दिन ये चीजें खाने और दान करने से शनि और सूर्य दोनों की कृपा होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए इन दोनों ग्रहों की कृपा बेहद जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाने से इनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए संक्रांति पर जप तप, स्नान, दान, तर्पण इत्यादि का विशेष महत्व होता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मकर संक्रांति पर सुबह 8:05 के बाद से स्नान दान का मुहूर्त है, क्योंकि सूर्य दोपहर 2:09 पर मकर राशि में आ रहे हैं। इस दिन पुण्यकाल दोपहर 2:12 से शाम 5:45 तक रहेगा और महापुण्यकाल मुहूर्त दोपहर 2:12 से 2:36 तक रहेगा। तो इस दिन सूर्योदय के बाद खिचड़ी आदि बनाकर तिल के गुड़ वाले लड्डू प्रथम सूर्य नारायण को अर्पित करने चाहिए और बाद में दान करने चाहिए। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना फल देता है। मकर संक्रांति पर दान करने से न केवल हमारे पापों में कमी आती है, बल्कि पुण्य में भी वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव एक माह तक शनि की राशि मकर में रहते हैं। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, वे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। तिल के दान का यही महत्व है कि पूर्व जन्म के पापों और ऋण का तिल दान शमन करता है। गरीबों में तिल के लड्डू बांटने से आधी व्याधियों का नाश होता है। राहु और केतु की पीड़ा को तिल का दान समाप्त करता है और शनि के 7.5 के कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। गुड़ के मिश्रित दान से सूर्य और मंगल ग्रह जनित दोष समाप्त होते हैं।
मकर संक्रांति पर अन्न जैसे कि दाल, चावल, गेहूं आदि का दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य सुपात्र व्यक्ति को अन्न का दान करता है, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं आती, उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और भारी यंत्रों या सड़क से होने वाली दुर्घटनाओं से उसके परिवार की रक्षा होती है। अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यदि आप किसी को जल का दान करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो इससे आपके पुराने पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपके पुण्य में वृद्धि होने लगती है, मन शांति मिलती है और देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहती है। मकर संक्रांति पर दीप दान करना भी उत्तम फलदायी माना जाता है। मंदिरों में दीपक जलाना, जलाशयों पर दीपक जलाना, किसी नदी के तट पर दीपक जलाना आदि से आपकी आंखों की रोशनी में बेहतरी आएगी। संक्रांति पर भूमि का दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सोने का दान करने से व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है, तो रजत यानी चांदी का दान करने से व्यक्ति को सुंदरता का वरदान मिलता है। बीमारी से ग्रस्त लोगों को दवाइयां दान करने से दानी को बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर फूल या पौधे दान करना भी शुभ माना जाता है। गाय का दान तो बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ दान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर ईंधन और चूल्हे का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे दानी व्यक्ति की अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, माँ अन्नपूर्णा और अग्निदेव की कृपा भी मिलती है, घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। सुहागिन महिलाओं को संक्रांति पर कोई भी जीवनावश्यक वस्तु या सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में दान करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, दान हमेशा अपने मेहनत से कमाए पैसों से ही करें। किसी को पीड़ा देकर छीनकर प्राप्त की गई वस्तुओं का दान निषिद्ध बताया गया है। इससे पुण्य प्राप्त होना तो दूर, ये आपको पाप का भागी बना देता है। चाहे तो थोड़ा ही दान करें, लेकिन शुद्ध अंतकरण से करें। दान में दी जाने वाली चीजों का ग्रहों के साथ संबंध होता है और संबंधित ग्रह का फल आपको प्राप्त होता है, तो दान अगर आपके राशि अनुसार किया जाए तो ये आपको मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि करता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि अनुसार आपको किस चीज का दान इस मकर संक्रांति पर करना चाहिए जिससे आपको अधिकाधिक शुभ फल प्राप्त हो। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल में तिल, गुड़, दही या तांबे के बर्तनों का दान करना अधिक शुभ फलदायी होता है। वृषभ राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर शुभ मुहूर्त में चांदी की वस्तुएं या तिल से बनी चीजों का दान करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को इस दिन पुण्यकाल में गुड़ और पीली वस्तुओं का दान करना अति शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर तिल का दान करना लाभकारी होगा। मकर संक्रांति के दिन सिंह राशि के जातकों को गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को 7 प्रकार के अनाज और गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों को इस दिन लाल रंग के वस्त्र दान करने चाहिए, साथ ही दही का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। धनु राशि के जातक मकर संक्रांति पर पीले वस्त्रों का दान करें और गरीबों को खिचड़ी का दान करना आपको अत्यंत लाभदायक साबित होगा। मकर राशि के जातकों को काले तिल और काले रंग के कंबल का दान करना अति शुभ रहेगा। कुंभ राशि के जातक मकर संक्रांति पर शुद्ध गाय के घी का दान करें, इसके अलावा खिचड़ी का दान करना भी आपको अपार शुभ फल देगा। मीन राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन चने की दाल और तिल का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। दोस्तों, दान उसी व्यक्ति को दें जो उस दान की इज्जत करें, दान स्वीकारना सम्मान समझें, दान का अनादर ना करें, तो जरूरतमंद व्यक्ति को ही उचित चीज का दान करें। दान देते समय हमेशा दानी का मुख पूर्व दिशा की ओर और लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दान आप किसी ब्राह्मण को दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें, हो सके तो उनके घर पर जाकर ही दान करें, इससे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दान सद्भावना से ही करें, मन में स्वार्थ के या बुरे विचार नहीं होने चाहिए, ना ही दान पर घमंड करना चाहिए।
मकर संक्रांति पर अगर आप तिल का दान कर रहे हैं तो उस समय अपने पितरों का ध्यान करें। किसी और चीज का दान कर रहे हैं तो उस समय देवी देवताओं का ध्यान करें। मकर संक्रांति पर किसी भी अयोग्य वस्तु का, जैसे कोई वस्तु आपके काम की ना हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति की जगह अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजों का दान मकर संक्रांति पर निषिद्ध है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, धन ऐश्वर्य में कमी आ जाती है। मकर संक्रांति के दिन बासी अन्न पदार्थों का दान ना करें। इससे घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस दिन जूतों का दान भी नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं और स्टील की वस्तुओं का दान भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। धारदार वस्तुओं का दान भी संक्रांति पर नहीं करना चाहिए। इससे दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है और ये घर में दुर्भाग्य लाता है। मकर संक्रांति पर काले रंग के वस्त्र का दान भी नहीं करना चाहिए। इससे सूर्यदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा नए और साफ वस्त्र का ही दान करें। मकर संक्रांति पर खुद इस्तेमाल की गई चीजों का या घर में पड़ी पुरानी चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें और दान करते समय इन सभी नियमों का पालन भी अवश्य करें, जिससे आपको दान का अनंत गुना फल प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।